नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। राहुल गांधी बोले, मर जाऊंगा लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। लोकसभा चुनाव के लिए आखिर चरण का मतदान बचा हुआ है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हाल ही में बीजेपी और दुख पीएम मोदी ने राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर वन कहकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। अब राहुल गांधी ने कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता पिता का अपमान नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी नफरत के साथ बात करते हैं, वह मेरे पिता दादी पर दादा का अपमान करते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में कभी भी उनके परिवार, उनकी माँ और पिता के बारे में नहीं बोलूँगा। मर जाऊंगा लेकिन उनके माता पिता का अपमान नहीं करूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आरएसएस या फिर भाजपा का आदमी नहीं हूं, कांग्रेस का हूं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ नफरत भी फैलाई जाए तब भी मैं उनसे प्यार से ही बात करूंगा। हम मोदी जी को प्यार से हराएंगे, आपको गले लगाएंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक चुनाव रैली में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर वन कहा था। हालांकि इसके बाद कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी की तुलना दुर्योधन से की। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजीव गांधी ने छुट्टी मनाने के लिए नौसेना की INS विराट के इस्तेमाल का आरोप लगाया। ममता बनर्जी बोली, प्रचार का समय घटाने का फैसला चुनाव आयोग का नहीं मोदी का है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच मचा सियासी संग्राम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ममता बनर्जी ने विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने के विरोध में मार्च किया और फिर रात में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग को ही निशाने पर ले लिया। ममता बनर्जी ने प्रेस वार्ता में कहा कि अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई की जाए, शाह को नोटिस क्यों नहीं दिया गया। प्रचार का समय घटाने का फैसला चुनाव आयोग का नहीं बल्कि मोदी का है। पीएम मोदी ने कल अपनी दो रैलियां खत्म करने का समय दिया। नरेंद्र मोदी, आप अपनी पत्नी की देखभाल नहीं कर सकते, आप देश की देखभाल कैसे कर सकते हैं। उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने रोक लगाई, शाह ने बंगालियों का अपमान किया है, अन्याय अमित शाह ने किया और सजा हमें मिली है। मोदी ने मूर्ति तोड़ने की निंदा नहीं की। अमित शाह ने अपनी सभाओं के जरिए हिंसा फैलाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी गई, लेकिन पीएम मोदी ने खेद नहीं जताया। बंगाल की जनता ने इसे गंभीरता से लिया है। अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बंगाल में चुनाव प्रचार पर एक दिन पहले ही रोक के मामले में ममता ने कहा, आज अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग को धमकाया, क्या ये उसका नतीजा है? बंगाल भयभीत नहीं है, बंगाल को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि मोदी के खिलाफ बोल रही हूँ। गुंडों को बाहर से लाया गया था, उन्होंने भगवा पहनकर हिंसा की। जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था तब इसी तरह की हिंसा हुई थी। मुरादाबाद सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। रविवार देर रात हुए एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में 2 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। मझोला के लाकड़ी में रहने वाला परिवार हादसे के समय दिलारी के गांव नाखुनका में एक विवाह समारोह में भाग देकर लौट रहा था। सभी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। नाखुनका के पास ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से हादसा हुआ। दुर्घटना में 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मझोला थाना क्षेत्र में लाकड़ी निवासी सरोज कश्यप की बेटी पूजा की शादी दिलारी के गांव नाखुनका में हुई है। रविवार को पूजा की बेटी रिया की शादी थी। रविवार को आधी रात को विवाह समारोह संपन्न होने के बाद सभी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से मुरादाबाद लौट रहे थे। नाखुनका से निकलते ही अचानक ट्रैक्टर का पहिया निकला और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल ज्योति, पुत्री जयपाल, मनु, विरमा देवी, पत्नी राजकुमार, शीला, गब्बर और परमेश्वरी ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।